करो। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के अपना आशियाना आश्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बेटा है अपने पिता से मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालत देखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको जानकर बड़ी ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम है रमन कांत झा, बिहार के रहने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं 22 सालों से घर से अलग है, अपने बेटे से अलग है, अपनी पत्नी से अलग है, और आज आपको पत्नी की आंखों में आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 22 साल बाद एक पत्नी अपने पति को आज देख पाई है, ना सिर्फ देख पाई है बल्कि मिल पाई है। और आज लौटकर रमन कांत झा अपने घर जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज से 2 महीने पहले रमन कांत अपना आशियाना आश्रम करनाल जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर 22 सालों का यह सफर रमन कांत झा के लिए कैसा रहा होगा? क्या वो किसी सड़क पर रहे होंगे, किसी मोहल्ले में रहे होंगे, किसी और आश्रम में रहे होंगे, या फिर ना जाने कहां कहां उन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किल समय देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से 22 साल पहले काम के लिए घर से निकले थे, लेकिन अचानक से रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं, उसके बाद से गुम हो जाते हैं परिवार के लिए, परिवार वाले। 22 साल आप समझिए बहुत बड़ा सफर है, बहुत बड़ा समय है, और ऐसे में परिवार वालों ने तो उम्मीद भी खो दी थी कि रमन कांत उन्हें कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं पत्नी है, बेटे के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उस समय बेटा बहुत ज्यादा छोटा था, महज 3 साल का बताया जा रहा है, और आज जो बेटा है, जो रमन कांत जी का बेटा है, वो IAS की तैयारी कर रहा है, और पिता के लिए एक खुशी का पल भी जरूर है। लेकिन एक बार मैं सबसे पहले जो रमन कांत जी की पत्नी है उनसे पूरी बात करूंगी। मैडम, क्या आपका नाम है और कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, सिंहवार प्रखंड से हैं। ये कौन है साथ में? ये पति हैं। पति हैं। पति कब से गायब थे आप? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल ठीक ठाक थे? ये ठीक ठाक थे, पर नौकरी की तलाश में निकले थे। ये कह करके गए कि से हम पंजाब जा रहे हैं, पंजाब का है जा रहे हैं। 3 महीना के बाद हम खोजी किए उनको, तो पहले तो न टीवी था, न अथी था, कोई चीज़ नहीं, फोन वगैरह नहीं था, फोन उन नहीं था। हमारे बड़े भाई, हमसे बड़े भाई थे, गुजर गए हैं, मास्टर थे, वो गए खोजने गए, जो उनको शक्ति हुआ खोज करके नहीं मिले। 17 दिन हो गए थे। हाँ, 17 दिन। इन 22 सालों में कभी उम्मीद थी कि लौट के मिलेंगे? पूरा विश्वास था, विश्वास था, पूरा विश्वास। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है आप अपना पत्नी धर्म पूरा निभा रही थी, आप रोजाना मांग में सिंदूर भरा करती थी। बेटा अपनी आज कल धो लिए है, क्या करती, तबीयत खराब है इसलिए सिंदूर तो रोजाना सिंदूर हम। हाँ, आप देख सकते हैं एक पत्नी का विश्वास ही है, ये विश्वास है हर नारी को हमारा वाला सुख मिले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि हर नारी को सुख मिले, पति का सुख मिले, दुख ना मिले। ऐसे में जो रमन कांत जी हैं, रमन कांत झा, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। अंकल, क्या नाम है आपका? रमन। रमन, यहाँ कैसे आए आप करनाल में? दिहाड़ी 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 कोई जीव लखन रह के फिक्र रहे। रमन कांत जी के बेटे हैं, खैर मुझे तो इनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है, क्या किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, रामानंद के फिक्र रहे क्या, गुस्से में भी हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, पिता जब घर से चले गए थे, गुम हो गए थे अचानक से, आप तो महज 3 साल के थे, पिता का स्पर्श क्या होता है वो भी आपको सही से नहीं पता? मैंने आज तक पिता शब्द का यूज नहीं किया था, मैंने आज तक पिता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने जीवन में प्रथम बार आज पिता शब्द का इस्तेमाल किया हूँ। मेरे अंदर क्या खुशी है मैं यह जाहिर नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं खुद को मान रहा हूँ कि मुझे आज भगवान से भेंट हो गया,
और उस करी उस करी का सबसे बड़ा आधार यह संस्था बना है। अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी फिलहाल सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज पिता को घर लेकर जाएंगे? जी। कभी उम्मीद थी कि पिता मिलेंगे जिंदगी में? उम्मीद थी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं टोटल, मेरे टोटल कजन सब मिला करके मैं 12 भाई। नहीं, वैसे आपके जो दो भाई दो बहनें और हैं? नहीं, दो भाई और हैं। नहीं, दो भाई, यानी मैं एक हूँ और एक मुझसे छोटा, एक और आपसे छोटा। उसको भी जानकारी दे दी कि पापा जी 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 खुश हैं? वो भी बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। आज पिता को लेकर जाएंगे, सेवा करेंगे आप? बहुत सेवा करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। इतने वर्षों में 24 वर्षों का जो इनको प्यार का जो कमी था, मैं उनको। क्या बात है, ये देखिए 22 सालों से इनको भी इनके पिता का प्यार नहीं मिला, और कह रहे हैं कि जो पिता को एक बेटे का प्यार मिलना चाहिए वो भी मैं अपने पिता को दूंगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अंशुल जी भी हमारे साथ, और उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। अपना आशियाना आश्रम के सेवादार हैं, आपके भी चेहरे पर बड़ी मुस्कान है आज। मैं यही कहना चाहूँगा कि 25 साल बाद बेटा आज मिल रहा है, चाहे 25 मिनट क्यों ना अपने पिता को गुम हुए देख सकता कोई भी, मगर ये तो 25 साल हो चुके हैं। आज हमारा भी मन भर गया था सुबह जब ये अपने पिता के चरण स्पर्श करके और निमन कर रहे थे, तो मैं और राजकुमार जी खड़े थे भी, देखो ये भी भगवान का एक करिश्मा है, ये किस्मत वाले हैं जिनको अपने पिता मिल गए। मैं धन्यवादी हूँ सोशल मीडिया का जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, और आपका भी धन्यवादी हूँ भी ऐसे ऐसे लोग परिवार से मिलवाएं। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा, और करनाल वासियों को भी यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कर सकें भी, और भी जो लोग हैं वो भी अपने परिवार में जा सकें। बिल्कुल, और भी जो लोग हैं जो अपने परिवार से कई सालों से बिछड़े हुए हैं, और उनके परिवार वालों ने वापस अपने परिवार के लोगों को देखने तक की उम्मीद छोड़ दी है, उस उम्मीद को भी पूरा किया जा सकता है सोशल मीडिया के जरिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देखें I24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।